चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube चैनल हार्टफुलनेस ओम। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रों के बारे में। शरद नवरात्र शुरू होने वाले हैं 17 अक्टूबर से। 17 से लेकर 25 अक्टूबर तक नवरात्र रहेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि व्रत कैसे रखें और उसके कुछ रूल्स वगैरह मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने फॉलो किए थे और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप अगर आप कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। शरद नवरात्र कोई भी नवरात्र होते हैं 9 दिन तक रखे जाते हैं। तो अभी जो नवरात्रि आ रहे हैं, आप 9 दिन व्रत रखें। पहले दिन या फिर उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने दिन नवरात्रि रखने हैं। फर्स्ट डे जो होता है नवरात्रि का, उस दिन ही आप घट स्थापना कर दें। घट स्थापना करने के वक्त आप डिसाइड करें कि आपको कितने दिन व्रत रखने हैं, और आपको संकल्प लेना होता है उस दिन। संकल्प लें और डिसाइड करें कि आपको कितने दिन व्रत रखने हैं और आपको उन व्रतों में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। तो संकल्प लेना जरूरी होता है व्रत में, तो आप फर्स्ट डे ही ऐसा जरूर करें। ऐसे तो सप्तमी से ही कंजक पूजन शुरू हो जाता है, बट अगर आप चाहें तो अष्टमी वाले दिन भी कंजक पूजन कर सकते हैं। जो अष्टमी का कंजक पूजन है वो काफ़ी अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। कि अगर आप चाहें तो आप सप्तमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन, जितने भी आपने व्रत का संकल्प लिया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आप कंजक पूजन कर सकते हैं। जो सिद्धिदात्री का व्रत होता है वो 9th डे पे होता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा प्योर रहना होता है, मतलब आपको स्वच्छता मांगती है माता, और माता ज़रा सी चूक पे भी नाराज़ हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं सिद्धिदात्री का व्रत रखने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉलेज लिया उसके हिसाब से। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अष्टमी वाले दिन ही कंजक पूजन कर देते हैं। तो अगर आप 9th डे का भी व्रत रखना चाहते हैं, सिद्धिदात्री का व्रत, तो उस दिन आप काफ़ी स्वच्छ रहें और माता को रुष्ट ना होने दें, और अगले दिन आप कंजक पूजन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो व्रत होते हैं नवरात्रि के, उसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। देखिए, जो बेसिक जो रूल है, जो नहीं खाना होता है आपको, वो तो आप सब जानते होंगे कि जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो नहीं खाना। तो नॉन वेज नहीं खाना, तो अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है, और सब्जियाँ वगैरह ये सब नहीं खानी होती, कुछ पर्टिकुलर सब्जियाँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, किसी भी तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, चाय पी सकते। कॉफ़ी अलाउड नहीं है तो आप कॉफ़ी ना पिए, चाय अलाउड है। व्रत के चावल होते हैं, आप व्रत के चावल खा सकते हैं। जो भी दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स है आप वो ले सकते हैं। पनीर खा सकते हैं, कर्ड, दही खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं। साबूदाना होता है वो आप ले सकते हैं। जो भी व्रत से रिलेटेड मार्केट में मिलता है वो आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप कोशिश में करें कि आप मार्केट का कम ही खाएं, चाहे वो व्रत से रिलेटेड ही क्यों ना हो, क्योंकि साफ सफाई, और आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उस हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं बाहर का, और घर में ही बना सकते हैं प्योर अच्छा सा लाइक स्वच्छ खाना। जो चीज़ें अलाउड नहीं है नंबर वन पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शराब, नॉन वेज, ऑनियन, गार्लिक, लहसुन प्याज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज ना करें। दालें आप नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने बताया कॉमन साल्ट आप नहीं ले सकते, टर्मरिक हल्दी आप नहीं ले सकते हो, हींग हो गया, मेथी हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, कॉर्न, मक्की नहीं खा सकते आप ये सब। तो ये था कुछ जो आप खा सकते हो और जो आप नहीं खा सकते हो। सेंधा नमक आता है व्रत का नमक, वो आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक नॉर्मल जो जोत जगती है, एक होती है जो अगर आप ऑफिस गोइंग है, घर पे कोई नहीं है, तो आप सुबह शाम 2 टाइम जोत जगा सकते हैं। आप सुबह नहीं जगा सकते तो शाम को आप जोत जगा सकते हैं और माता की आरती कर सकते हैं। तो जो अखंड ज्योति होती है वो 9 दिन तक लगातार जलते हैं, जितने दिन आपने व्रत रखा होता है। उसके बाद भी आई थिंक दशहरा आता है तब भी आप वो जला सकते हैं। अखंड ज्योति आप तभी रखें अगर आप घर में हो या फिर उसकी केयर करने के लिए कोई हो, क्योंकि अखंड ज्योति को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो बुझने के चांसेस रहते हैं और आपको बत्ती चेंज करनी होती है, और आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे कोई चप्पल डाल के या गंदगी ना फैलाएं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है अखंड ज्योति का। अगर आप चाहें तो नॉर्मल ज्योत जगा सकते हैं इवनिंग में। और आपको जो पूजा पाठ का नियम है वो आपको शाम को जो खाना खाना होता है, जो भी व्रत का फूड होता है, वो शाम को पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, माता की कथा पढ़ने के बाद ही आपको खाना चाहिए। दिन में आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, मिल्क होता है, फ्रूट्स होते हैं, वो सब आप खा सकते हैं, लेकिन जो एक टाइम का प्रॉपर फूड होता है वो आप पूजा के बाद ही शाम को खाएं। प्रॉपर फूड में जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि जो व्रत के चावल होते हैं या फिर व्रत से रिलेटेड कुछ खाने का होता है वो आप इवनिंग में एक टाइम खा सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखें कि आप प्रॉपर अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने सुबह टाइम पे, और जो आपने संकल्प लिया है उसके अकॉर्डिंग आप सुबह जल्दी उठें और भगवान की पूजा करें, स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान का नाम लें, झूठ ना बोले, और हो सके गॉसिप्स वगैरह से दूर रहें, इधर उधर की बातें मत करें किसी से भी, और भगवान का ध्यान दें, पॉजिटिव सोचें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा।
आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @heartfulness_om। और अब आपको मैं अपनी नई वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप सोमवार व्रत के बारे में, वीरवार व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। एकादशी व्रत की भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर लिंक आएंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियोज देख सकते हैं। आई अपलोड वीडियोज ऑन कुकिंग, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, माई व्लॉग्स एंड रिलीजियस वीडियोज। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी नवरात्रि 2020।